नमस्कार। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के में रामलला की प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जो भव्य कार्यक्रम होना है, उसमें शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ससम्मान, ऐसा कांग्रेस ने लिखा है कि ससम्मान हम इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण मिला था उसका हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक प्रयोग बना दिया, एक राजनीतिक अभियान बना दिया है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को। और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्र में, अपने बयान में यह भी लिखा है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो अब इसमें दो तीन बातें ऐसी है कांग्रेस ने जो कही है उसका विश्लेषण जरूरी है और उसके राजनीतिक फॉलोआउट को, उसके पॉलिटिकल फॉलोआउट को समझना जरूरी है। ये जिस दिन कांग्रेस ने कहा था, उसको निमंत्रण मिला था और कांग्रेस ने तत्काल फैसला करने की बजाय ये कहा था कि इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, उसी दिन ये अंदाजा हो गया था कि कांग्रेस के नेता उस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं जाएंगे, रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो निमंत्रण दिया गया था वो कांग्रेस के तीन नेताओं को मिला था, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को। ये इन तीन लोगों को निमंत्रण मिला था, लेकिन ये तीनों लोग 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं शामिल होंगे? क्योंकि उनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक प्रयोग है, एक राजनीतिक अभियान है भारतीय जनता पार्टी का। उनको लगता है कि अर्ध निर्मित मंदिर है, इसलिए उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये कोई कारण नहीं है, ये कोई कारण नहीं है। और ये किसी को इस बात पर यकीन नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी इस वजह से उस निमंत्रण को ठुकरा रही है, इस वजह से निमंत्रण अस्वीकार कर रही है। जब आप याद करें, लोगों को याद भी होगा, बहुत सारे लोगों को, कि जब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है उसके लोग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने इस कार्यक्रम के लिए, तो उसके बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बयान दिया था और कहा था कि मंदिर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह मंदिर राष्ट्र का मंदिर, राष्ट्र के मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये पूरे राष्ट्र का है मंदिर। और फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या प्रधानमंत्री को ही न्योता दिया जा रहा है, कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये बात कांग्रेस के नेताओं ने कही थी। और जब कांग्रेस पार्टी को न्योता मिल गया, जब आमंत्रण मिल गया तीन आदमी को, तो उसके बाद अब नहीं जाने का ये बहाना है कि वो अर्धनिर्मित मंदिर है या भाजपा का राजनीतिक प्रयोग है। अब चाहे जिसका राजनीतिक प्रयोग हो, भाजपा का राजनीतिक प्रयोग हो, अर्धनिर्मित मंदिर हो, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं मानती है कि श्री राम करोड़ों भारतीयों के आस्था के प्रतीक है, या उनके मंदिर का, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है किसी मंदिर में और उसमें अगर बुलावा आया है तो उसमें जाना चाहिए? क्या कांग्रेस इस बात से इनकार कर सकती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण या भगवान श्री राम का चरित्र इस देश के करोड़ों लोगों को किस तरह से आकर्षित करता है, किस तरह से प्रेरित करता है, किस तरह से लोगों के लिए पूजनीय है? ये लोगों की आस्था की बात है और ये इसमें कहीं से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी जिसको राजनीति से जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है और आज से नहीं कर रही है, जब 1984 में भारतीय जनता पार्टी हार करके दो सीटों पर आ गई थी उसके बाद ही उसने अयोध्या का प्रोजेक्ट शुरू किया था। और रामशिला पूजन हो या उस समय अटल लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हो सोमनाथ से अयोध्या की, उसके बाद कितने ही कार सेवा हो, वहां के विवादित ढांचे का टूटना हो, ये सब राजनीति का ही हिस्सा थे। जब राजीव गांधी ने वहां ताला खुलवाया था तो वो कोई धर्म की सेवा नहीं कर रहे थे, वो भी राजनीति की ही सेवा कर रहे थे, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था शाहबानो केस में। और उस फैसले से जो शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको लेकर के देश में जो विवाद हुआ था, इस्लामिक संगठन सड़क पर उतरे थे और वो उसको पलटने की मांग कर रहे थे, उनको संतुष्ट करने के लिए शाहबानो का केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया था कानून बना करके संसद में, जिसके बाद आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस पार्टी में थे उस समय। और उसके बाद जब हिंदू भावनाओं को फिर संतुष्ट करने के लिए राजीव गांधी ने वहां ताला खुलवाया था, वो भी राजनीति का हिस्सा था। तो इसलिए आज जो हो रहा है वो राजनीति से अलग नहीं है, लेकिन वो भले राजनीति हो, इसके बावजूद करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे, उस अभियान से, उस कार्यक्रम से। तो इसलिए कांग्रेस ने, और ये सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, ये फिर ये संस्कृति का भी मामला है। राम भारत की संस्कृति से रचे बसे हैं, अल्लामा इकबाल ने उनको इमाम हिंद कहा था,
आज चाहे जो इस बात को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हो, लेकिन अल्लामा इकबाल ने भी उनको इमाम हिंद कहा था। वो इमाम हिंद है, वो हिंदुस्तान इस देश की आबादी के हर व्यक्ति के लिए पूजनीय है, श्रद्धेय है। और वो ऐसे माहौल में जब उस कांग्रेस जान रही है कि उस पर राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति कर रही है, उसका राजनीतिक लोकसभा चुनाव के समय उसका राजनीतिक लाभ लेने की बात हो रही है, तो फिर राजनीतिक लाभ के मकसद से ही कांग्रेस क्यों नहीं गई? मान लीजिए कांग्रेस की आस्था नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बौद्ध धर्म को मानते हैं जहां तक हमारी जानकारी है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो उस रुझान के आदमी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी या कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति अयोध्या जाने के बावजूद आज तक रामलला के मंदिर नहीं गए लोग। तो अब ये धर्म की वजह से नहीं जाते, आस्था की वजह से नहीं जाते, लेकिन राजनीतिक कारणों से तो जा सकते थे। अब ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग, जो एक खेमा था जो नहीं जाने देने का पक्षधर था, उसको उसका कहना था कि इससे इस अगर वहां जाते हैं कांग्रेस के नेता तो मुस्लिम समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। अरे मुस्लिम समाज में गलत मैसेज जाएगा का क्या मतलब है? मुस्लिम समाज का वोट अगर आपको मिलना है जहां आप मजबूरी है, जहां कांग्रेस का विकल्प नहीं है वहां मिलना है, जहां भी कांग्रेस का विकल्प उस समाज को मिल जाता है वहां उसको वोट देता है। और ये 1992 से चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। तो कांग्रेस तो बजाता, वो तो राजनीतिक मोल भाव की चीज है। कांग्रेस को बहुसंख्यक समाज के की भावनाओं की कदर क्यों नहीं हुई इस मामले में? उनके उनको क्यों उनको अपना वोट बैंक ही समझ करके उनके वोट के लालच में ही कांग्रेस ने क्यों वहां जाने का फैसला नहीं किया? किसी ने कहा कांग्रेस पार्टी में कि अगर जाएंगे तो वहां अपमान हो सकता है, वहां जय श्री राम के नारे लग रहे होंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है नारे लगाने में? आप भी जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। कहा जा रहा है कि वहां पीछे की लाइन में बिठा दिया जाता है, तो पीछे की लाइन में बैठ जाते। भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में जाकर के आगे की लाइन या पीछे की लाइन का क्या मतलब है? वहां तो कहीं से भी पूजा कर सकते थे आप। ये कांग्रेस के नेता वहां जाते उस कार्यक्रम में और वहां प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते और उसके बाद रामलला के दर्शन करते, दर्शन करके आते वहां से। अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो कांग्रेस को उस पर राजनीति करने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने भी राजनीति क्यों नहीं की? अब ये कांग्रेस के लोग फिर इस बात को इस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि चारों शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने अभी बहुत तल्ख भाषण दिया है, या पुरी के शंकराचार्य ने बहुत तल्ख भाषण दिया है। अब वो चाहे निश्चलानंद सरस्वती हो या अभी मुक्तेश्वरानंद हो, दोनों ने बहुत तल्ख भाषण दिया है। दोनों ने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता शंकराचार्य नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्य धर्म और कुछ उसके विधि विधान, उसके रीति रिवाज का सवाल उठा सकते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं उठा सकती है सवाल। अर्धनिर्मित मंदिर है, इसका क्या मतलब है? हर मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा होता है, मंदिर बने हुए मंदिर में, अभी वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर में पुनर्निर्माण का कार्य हुआ, कॉरिडोर बना, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? अगर रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो एक कार्यक्रम था। अगर एक धार्मिक कार्यक्रम की तरह नहीं, तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक कार्यक्रम की तरह जाती। अगर वो कह रही कि भाजपा राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है तो कांग्रेस भी जाती, कांग्रेस के नेता भी जाते उस राजनीतिक कार्यक्रम में। ये अगर आज कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार किया है, आमंत्रण ठुकराया है, ससम्मान कहके, ये कहके कि ससम्मान अस्वीकार करते हैं, लेकिन वो ससम्मान अस्वीकार करना नहीं है, फिर तमाम पिछली चीजें उठेंगी इस बात को लेकर के। चुनाव 3 महीने में होना है और वो तमाम पिछली बातें उठेंगी। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आज तक अयोध्या क्यों नहीं गया रामलला के दर्शन करने? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते हैं रामलला के दर्शन करने? अब ये क्या उस पर वो अभी अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फैसला करने के पहले सिर्फ उमा भारती का इंटरव्यू पढ़ा होता जो उस आंदोलन से जुड़ी है, उन्होंने आज के अखबारों में वो इंटरव्यू छपा हुआ है और उन्होंने कहा है कि राम पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, बीजेपी भी कॉपीराइट छोड़े और विपक्षी पार्टियां भी आगे बढ़ के अपनाए राम को। अगर वो करोड़ों भारतीयों की आस्था के प्रतीक है, आस्था के केंद्र है, तो उसमें क्या दिक्कत है वहां जाने में? ये सिर्फ इसलिए कि वहां का आंदोलन बीजेपी ने चलाया था या विश्व हिंदू परिषद ने चलाया था। जहां का आंदोलन नहीं चलाया वहां तो जाते हैं, जहां कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ वहां तो राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी महादेव शिव भक्त बताते हैं अपने को, केदारनाथ से लेकर के कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा करते हैं, लेकिन अयोध्या जाने में दिक्कत है। तो ये अब किसी की आस्था, ये ठीक है उसमें लिखा है अपने बयान में कांग्रेस पार्टी ने कि धर्म बहुत निजी आस्था का विषय है, बिल्कुल निजी आस्था का विषय है, लेकिन अगर धर्म के कार्यक्रम होते हैं, धर्म से जुड़ा कोई कार्यक्रम होता है, तो क्या नेता उसमें नहीं जाते हैं? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाते हैं सार्वजनिक रूप से? क्या मंदिरों में जाकर के वो लोग पूजा पाठ करते नहीं है, उनका अपना वीडियो और फोटो नहीं खिंचवाते हैं? यहां तक कि जो कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता हैं वो भी पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडालों में जाते हैं,
क्योंकि वो सिर्फ पूजा और आस्था का मामला, धर्म का मामला नहीं होता, वो संस्कृति का भी मामला होता है, कल्चर का मामला होता है, करोड़ों लोगों के दिल की बात होती है, उनके भावनाओं का मामला होता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं है कि अचानक हड़बड़ी में कोई डिसीजन कर लिया है कांग्रेस ने, ये सोच समझ के लिया है, इसके आगे पीछे भी सोचा गया होगा, इसके फायदे नुकसान सोचे गए होंगे, चाहे जितना भी सोचा गया हो, ये एक सेल्फ गोल है कांग्रेस का, अपना नुकसान करने वाला कदम है कांग्रेस का, इसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, और लंबे समय तक कांग्रेस को लेकर के जो धारणा पहले से बनी हुई है तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थी, वो धारणा और मजबूत होगी। धन्यवाद।